सात साल से खट्टर साहब की सरकार है। खट्टर साहब ने कितनी नौकरियां दी आप लोगों को? हरियाणा के बच्चों को कितनी नौकरियां दी खट्टर साहब ने? मैंने दिल्ली में पिछले सात साल में 12 लाख नौकरियां दी है, 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरी दी, और मैं हवा में नहीं बात कर रहा, वेबसाइट पे पूरा डेटा पड़ा है, हमारी वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट पे सारा डेटा है। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, और अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को नौकरी देने का पूरा प्लान बनाया है। मैं नौकरी दे सकता हूं, ये नहीं दे सकते, ये कभी यही नौकरी नहीं देंगे आपको, ये कभी आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पार्टी के लिए बेरोजगार गुंडों की जरूरत है। आपके बच्चों को दंगा कराना सिखाएंगे, गुंडाई करना सिखाएंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए ये लोग। अभी मेरे को एक भाई बता रहा था, हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं, जितने भर्तियों के पेपर होते हैं सारे लीक, ऐसा है क्या जी? ये मेरे को एक लिस्ट दी है एक भाई ने, ये 2020 में HSCC जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर लीक हो गया, 2020 में ही हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2021 में पेपर पुलिस भर्ती का फेयर पेपर लीक हो गया, 2021 में कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हो गया, 2022 में HSCC पद की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही TGT भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?